मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत उमरिया में पाइपलाइन बिछाई गई है। लगभग एक महीने के बाद भी खोदी गई मिट्टी को नहीं हटाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि हमने कई बार नगरपालिका अधिकारी से शिकायत भी की है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नगरपालिका स्वच्छ भारत स्वच्छ उमरिया का नारा देती है। नगरपालिका द्वारा नगर के नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है और नागरिकों के द्वारा शिकायत करने के बाद भी सफाई नहीं की जा रही है। व्यापारियों से संपत्ति टैक्स सफाई टैक्स लिया जाता है, उसके बावजूद सफाई नहीं की जा रही है, जिससे व्यापारियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। धूल मिट्टी गाड़ियों से निकलने वाले उनके दुकानों पर आ रही है। रास्ते में गड्ढे हो गए हैं, मिट्टी और चीप अव्यवस्थित तरीके से रास्ते पर पड़ी हुई है, जिससे आने वाले ग्राहक और दुकानदार दोनों गाड़ियों से गिर रहे हैं, जिससे ग्राहक को भारी परेशानी हो रही है। मार्केट के व्यापारी सप्पू का कहना है कि आज नगर पालिका द्वारा मिट्टी नहीं हटवाई जाती है तो कल ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका कार्यालय गेट पर धरना दिया जाएगा। बाद में जो ये पाइपलाइन का काम चल रहा है नगर पालिका परिषद के द्वारा, इसमें इनके द्वारा खुदाई की जाए, पूरे शहर को खोद दिए हैं ये। खोदने के बाद में प्रशासन के द्वारा, जबकि बहुत पहले से खुदाई हुई है इनकी, एक जगह का इनका काम शुरू पूरा नहीं हो पाता, दूसरी नगर वार्ड में पहुंच जाते हैं ये, और वहां पर आए दिन देखिए तो एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियां फंस जा रही हैं, ऐसा रोड खोद दिए हैं जैसे वो पूरा जो है एक तरह से नाली बन गया है। तो सबसे बड़ी चीज तो यह है कि नगर पालिका निकाय से, अपन नगर निकाय से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि ये काम पहले एक तरफ से शुरू करें वो, ताकि लोगों को असुविधा न हो। जहां रोड नहीं है वहां पर रोड बनी नहीं है, और जहां रोड बन भी गई तो उसको इनके द्वारा खोद दिया गया है, तो बनाने का कोई मतलब नहीं निकला। मेरे द्वारा आज स्थल निरीक्षण किया गया है और ठेकेदार को ये हिदायत दी गई है कि जहां जहां भी पाइपलाइन विस्तार का काम किया गया है वहां पे जीरा गिट्टी, क्रेशर डस्ट और मुर्मूकरण जो मिट्टी आती है उसके माध्यम से जहां भी ऐसे इस प्रकार की समस्या आ रही है उसको तुरंत फिलिंग करें। तो एक सप्ताह के अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि उमरिया में जहां जहां भी पाइपलाइन का विस्तार हुआ है वहां सभी जगह सड़कों का समतलीकरण कर दिया जाएगा और जो जनता को परेशानी हो रही है उससे मुक्ति मिल जाएगी।